का वीडियो बहुत ही कमाल होने वाला है गाइस, क्योंकि आज मैं अपना सीक्रेट व्हाइटनिंग पाउडर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कीप वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज निगार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, पिछले दिनों मैंने आपके साथ एक रेड लेंटिन यानी मसूर की, लाल वाली मसूर की दाल की एक क्रीम शेयर करी थी, जो आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद करी थी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिला था। आज मैं आपके साथ मसूर दाल का एक सीक्रेट व्हाइटनिंग पाउडर शेयर कर रही हूँ। इस पाउडर को बनाना बेहद आसान है। ऑल इन्ग्रीडियंट्स आर वेरी नेचुरल एंड इफेक्टिव। सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके किचन में, बट इसका जो रिजल्ट है यानी वन यूज में ही आप इसका रिजल्ट देख पाएंगी साफ तौर पे। आज मैं आपको लाइव रिजल्ट भी दिखाऊंगी इसका, कि इसका रिजल्ट किस तरह से आता है। नहाने से पहले आपको यूज करना है, यूज किस तरह से करना है ये देख लेना, और इसको रिमूव करने का एक खास तरीका है। अगर आप उस तरीके से इसको रिमूव करेंगी तो यकीन मानिए आपको इसके लगाने के बाद मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी पिंकिश नेचुरल ग्लोई फेस आपका नजर आएगा, चेहरे की व्हाइटनिंग होगी। 2 टोन से लेकर 3 टोन तक आपका कलर फेयर होगा। आप अपनी स्किन की से परेशान रहती हैं, आपकी स्किन पे टैनिंग है या फिर आपका चेहरे पे जो है दाग धब्बे हैं, दाने हैं, कील मुहासों के जो निशान रह जाते हैं उनको भी ये रिमूव करेगा। यानी लाल मसूर की दाल का इस पाउडर को आप इस तरह से जब लगाएंगी ना, तो रिजल्ट आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार कमाल ये पाउडर है, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि सीक्रेट व्हाइटनिंग पाउडर हमें किस तरह से बनाना है। तो इस सीक्रेट व्हाइटनिंग पाउडर को बनाने के लिए गाइज हमें चाहिए आधी कटोरी चावल। किचन वाले जो भी चावल है जिनका भी आप यूज करती हैं वो चावल ले लें आधा कटोरी। हम जैसा कि जानते हैं कि चावल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, उसके साथ ही साथ हमारी स्किन के कलर को ये टोन करता है, यानी इससे हमारी रंगत भी बेहतर बनती है। आधी कटोरी हमें ले लेना है चावल, और आधी कटोरी ही हम इसमें लेंगे रेड लेंटिन यानी लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल गाइज ये एक वन एंड ओनली ऐसी दाल है जो हमारी स्किन के कलर को बहुत इंप्रूव करती है, चेहरे के दाग धब्बों को मिटाती है। इससे हम अपना रंग गोरा कर सकते हैं, अपने चेहरे के काले दाग धब्बों को मिटा सकते हैं, पिगमेंटेशन को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने कलर को बहुत ज्यादा व्हाइटन अप और लाइटन अप कर सकते हैं। आधी कटोरी हमने ले ली है लाल मसूर की दाल। अब हमें यहां जरूरत है कम से कम 10 बादाम की। विटामिन ई से भरपूर होते हैं बादाम, हम सब जानते हैं, और स्किन व्हाइटनिंग में इसका बहुत कमाल का यूज है। अगर आप अपनी स्किन को व्हाइटन अप करना चाहती है, लाइटन अप करना चाहती है, तो स्किन ब्राइटनिंग के लिए ऑलमंड का आप यूज करें। इससे पहले भी मैंने आपके साथ ऑलमंड स्किन व्हाइटनिंग क्रीम भी शेयर करी थी, वो भी आपको बहुत पसंद आई थी, उसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग है। सारे जितने भी वीडियो हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है। कम से कम 10 बादामों की हमें यहाँ पे जरूरत है, ये भी हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं खसखस यानी पॉपी सीड। तो ये गाइस पॉपी सीड जो होते हैं हमारी स्किन की जो चमक होती है उसको बढ़ाते हैं, उसके साथ ही साथ हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इसमें खास तरीके का ऑयल निकलता है जो कि हमारी स्किन के ये बहुत बेनिफिशियल होता है। पॉपी सीड का यूज हम अक्सर उपटन में भी करते हैं, क्योंकि इससे हमारी रंगत बहुत अच्छी बनती है, बहुत कलर हमारा बहुत फेयर बनता है। 2 टीस्पून हमें इसमें पॉपी सीड ऐड करने हैं, ठीक है। और अब इन सारी चीजों को हम डालेंगे मिक्सर में। तो इन सारी चीज़ों का अब हम बनाएंगे पाउडर। पाउडर बहुत ही फाइन आपको पीसना है, ठीक है, ताकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारी स्किन में ना चुभें। तो बहुत ही अच्छी तरह से फाइन पाउडर आपको बना लेना है। आप चाहें तो इस पाउडर को छान भी सकती हैं। ये हमारा पाउडर बनकर तैयार है गाइज, और अब हम इसको निकाल लेंगे एक ग्लास के कंटेनर में। मैं इसको स्टोर करने वाली हूँ, कम से कम 10 दिन का ही हमारा चल जाएगा। मैंने इसको 10 दिन के लिए बनाया है, ठीक है। और अब इसको चलिए लगाने का तरीका हम देख लेते हैं कि किस तरह से लगाना है। मेन जो है इस फेस पैक को आपको हटाने का तरीका बिल्कुल सेम ऐसे ही रखना है जैसा मैं आगे आपको बताने वाली हूं। तो इस व्हाइटनिंग पाउडर को अब हमें लगाना किस तरह है गाइस, यहाँ पे एक बाउल में मैं उतनी क्वांटिटी लिए ले रही हूँ जितना कि मेरे फेस के लिए इनफ है, ठीक है। आप चाहे तो अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकती हैं, हैंड पे और लेग पे भी, आप अपनी फुल बॉडी पे भी इसे अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ये व्हाइटनिंग पाउडर ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे दही का यूज कर रही हूँ। 2 टीस्पून दही लेनी है हमें, ताकि हमारा एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। एकदम से आपको इसको लगाना नहीं है, ठीक है। लगाने का तरीका आप देख लेना, और इसको उतारने का तरीका क्या है वो भी देख लेना। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं तो आपको एलोवेरा जेल या रोज वाटर में से लगाना है, और नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले दही या मलाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। इस तरह से जब आप देखेंगी मिक्स करते जाइए आपको, और आप अगर कम लगे आपको तो दही और मलाई और भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छी तरह से आपको इसको मिक्स कर लेना, और देखिए बहुत ही स्मूथ सा फाइन सा ही हमारा
पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, पूरे फेस पे लगा लेंगे हम इसको, और लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक का हमको वेट करना है जब तक कि हमारा अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। 20 मिनट के बाद गाइस आप देखेंगे कि ये फेस पैक हमारे फेस पे बिल्कुल चिपक चुका है। अब मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आता है कि हमें इस फेस पैक को उतारना किस तरह से। उतारने के लिए आपको डायरेक्टली वॉश नहीं करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक टोमेटो, इसको हमें हाफ कट कर लेना है। आधा टमाटर हमें लेना है और जेंटली हमें सर्कुलर मोशन में मसाज करना है इसी पैक के ऊपर। हम जानते हैं कि वाइटामिन से भरपूर होता है टोमेटो, इसमें जो लाइकोपिन पाया जाता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन को ये टाइटन अप करता है, लाइटन अप करता है और ब्राइटन अप करता है। स्पेशली अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, रिंकल्स हैं, तो उनको ये रिड्यूस करता है, चेहरे को टाइट बनाता है, पोर्स को श्रिंक करता है और चेहरे के मैल को काटता है। इससे हम अपने कलर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आधा टमाटर लेकर आपको इस तरह से रब करना है। ये आप सोचिए कि टमाटर से ही हमें इस पैक को हटाना है। 3 से 4 सेकंड का आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन कर लीजिए। आप चाहें तो ल्यूकवॉर्म वाटर का भी यूज़ कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, फेस को क्लीन करने के बाद यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस। स्किन ब्राइटनिंग कितनी ज़्यादा हो गई है, स्किन कितनी ज़्यादा लाइटन अप हो गई है विदाउट एनी मेकअप। आप देखिए चेहरे पे कितना ज़्यादा ग्लो दिख रहा है। मतलब वन यूज़ में ही आपको बहुत ही अच्छा वाइटनिंग रिजल्ट इससे मिलेगा। आप देखिए कोई भी मेकअप नहीं है चेहरे पे। अभी बस मैं वॉश करके आई हूँ चेहरे को और इसका आप रिजल्ट देख लो कितना अमेजिंग है। मतलब स्किन वाइटनिंग में ये रेमेडी बहुत 100% वर्किंग है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा स्किन वाइटनिंग में। इसके अलावा ये आपके चेहरे के दाग धब्बों को रिड्यूस कर देगी। चेहरे पे पिगमेंटेशन है या फिर अनइवन स्किन टोन है, चेहरा आपका बहुत ज़्यादा टैन हो चुका है, तो इसके लिए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए रिजल्ट, लाइव रिजल्ट मैंने आज आपको दिखाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस स्किन वाइटनिंग सीक्रेट पाउडर को आप बना के रख लेना और इसको यूज़ करने के बाद इसका रिजल्ट मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज लिंक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।